गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में मैंने बताया था लाइन कि लाइन कैसे बनता है, लाइन का यूज कहाँ है और लाइन का टाइप्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लाइन का हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ सीमेंट में जब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ रहे थे उस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में देख रहे थे कि लाइन का रेंज और लाइन का अप्रॉक्स वैल्यू सबसे ज़्यादा था, यानी लाइन का परसेंटेज था मेरा 62% या 60 और उसका रेंज था 62% से लेकर 68%, तो ये था तो लाइन का। तो इसी के लिए लाइन का इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। लाइन का इंपॉर्टेंट इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि लाइन का यूज हर इसमें है, बिल्डिंग मटेरियल के हर इसमें है। अगर आप पढ़ेंगे कॉन्क्रीट तो कॉन्क्रीट में है, सीमेंट सीमेंट में है, या फिर आप ये कोई भी केमिकल हो तो लाइन तो उसमें यूज है ही, कुछ ना कुछ परसेंटेज है ही, इसलिए हम लोग लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लाइन बनता कैसे है तो वो लाइन हम लोग शॉर्टकट में हम पढ़ेंगे आज कि लाइन बनता कैसे है। तो मेन जो लाइन है वो 6 एलिमेंट से बनता है। वो कौन कौन है? क्ले है, दूसरा हाइड्रोलिसिटी है, सॉल्यूबल सिलिका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मेटल ऑक्साइड है, सल्फेट है। ये 6 एलिमेंट है जिस एलिमेंट से मेरा लाइन तैयार होता है। अब ये 6 एलिमेंट जो है सिंपल सा एक कॉमन ही काम करता है। कॉमन काम क्या करता है कि वो स्ट्रेंथ देता है। अब स्ट्रेंथ हर एलिमेंट जो है अलग अलग अपना वैल्यू रखता है, अलग अलग अपने क्वांटिटी में वैल्यू में वो परसेंटेज में देता है और लाइन को बनाने के तैयार करता है। कौन सा एलिमेंट कैसा एलिमेंट है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि क्ले है। क्ले जो है बहुत हर लाइन में हम लोग यूज करते हैं, क्विक लाइन में भी है, फैट लाइन में भी, हाइड्रोक्ले लाइन में, लेकिन जनरली जो है हम लोग वो क्ले जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। अब आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाइड्रो का मतलब ये आप जान रहे हैं कि हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, यानी ऐसा लाइन हम जहाँ पे पानी में यूज होता हो या फिर जहाँ पे डैम हो वहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे ये लाइन वो हम लोग बनाते हैं और वहाँ पे लाइन बना करके वहाँ पे यूज करते हैं। फिर तीसरी बात आती है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म होता है MgCO3। वो भी क्या होती है कि इट ऑल्सो इम्पोर्ट्स अर्ली स्ट्रेंथ एट डैम प्लेसेस, मतलब इसका भी काम है कि जल्दी स्ट्रेंथ देना और क्या डैम जहाँ पे है वहाँ पे ये काम होता है, इसका काम होता है। तीसरा आता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का काम है ये भी है कि जब हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी जब इसमें इंड्यूस होती है तभी जा करके ये अर्ली गेन स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो यानी इसमें हाइड्रोलिसिटी लाइन में ही यूज होता है मेटल ऑक्साइड। अब आती है लास्ट वन जो है सॉल्यूबल बोल रहे हैं सल्फेट। सल्फेट सल्फेट जो है लास्ट एलिमेंट है जो जिससे लाइन मेरा बनता है। अब सल्फेट का काम क्या है, इसमें लिखता है कि ना स्मॉल क्वांटिटी इट इज डिजायरेबल लाइन बी गॉट इट आल्सो इंपोर्ट हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी। ये भी हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी में यूज होता है, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में ही बनता है ताकि बहुत ज़्यादा ये इसका यूज हर जगह नहीं है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में बनता है। अब नोट में अगर हम देखा जाए तो नोट में ये साफ लिखा है द लाइन विच हैविंग इम्प्योरिटी ऑन हायर साइड विल इम्पोर्ट हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी। जिस लाइन में इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी वो हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी में आएगा। सिंपल सी बात है कि जिस लाइन की प्रॉपर्टी, जिस लाइन में इम्प्योरिटी क्या होगी ज़्यादा होगी तो वो हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। दूसरा नोट में कहता है कि द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ एनी लाइन दैट इज टू बी यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस वुड हैव अ मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एट 28 डेज। यानी मॉडुलस ऑफ रप्चर, कोई भी लाइन की मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग कोई भी लाइन की मॉडुलस ऑफ रप्चर इंजीनियरिंग पर्पस के तौर पे यूज होता है और उसकी मिनिमम जो मॉडल ऑफ रप्चर होती है वो क्या होगी 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यानी 28 डेज पे। अगर किसी भी लाइन को चेक किया जाएगा तो देखेंगे कि उसका उतना आना चाहिए, यानी 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए। तो ये थी तो इम्पॉर्टेंट चीज जिसका लाइन के बारे में बता दिया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जो आप अक्सर अपने प्राइवेट मकान जब बनाएंगे तो उसमें भी देखेंगे या फिर आप किसी साइड पर जाएंगे तो उस पर भी देखेंगे। मोटार, मोटार में और कंक्रीट में डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोटार एक अलग मटेरियल है और कंक्रीट एक अलग मटेरियल है। मोटार में कुछ मटेरियल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कंक्रीट में मोटार का सारा मटेरियल कंक्रीट में मिलता है, तो यही डिफरेंसेस है। तो मोटार की बात करते हैं कि मोटार होता क्या है।
मोर्टार सीमेंट कॉन्क्रीट ये तीनों मटेरियल जो है वो एक ही डिफिनेशन का ही बनता है और एक ही तरीके से डिफाइन होता है। कॉन्क्रीट भी कोहेसिव और एडहेसिव है और सीमेंट भी कोहेसिव एडहेसिव है और सीमेंट भी कोहेसिव एडहेसिव है। अगर इसमें डिफाइन करता है इट इज अ कोहेसिव एंड एडहेसिव मिक्सचर ऑफ सीमेंट और लाइम सैंड और वाटर इन अ राइट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू इट्स डाइजाइनस ऑफ स्ट्रेंथ। यानी ये एक कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी है जिसमें एडहेसिव मिक्सचर है जिसमें लाइम सैंड और सीमेंट और वाटर का ये कॉम्बिनेशन से ये मिक्सचर तैयार होता है जिसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बिल्डिंग में यूज करते हैं, ब्रिज में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन के सारे इसमें यूज करते हैं मोर्टार का। और ये मोर्टार जनरली हम लोग ब्रिक वर्क में कहते हैं, लेकिन मोर्टार जो है वो दूसरे कॉम्बिनेशन से भी मोर्टार तैयार होता है। थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट जो वेस्ट मटेरियल होता है जो लाल कलर का जो मेरा पाउडर आता है या एश कलर का जो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है जिससे बहुत सारा फ्लाई एश ब्रिक भी बनता है और भी बहुत सारी चीज़ बनती है जिसका नाम है सुर्खी। सुर्खी के बारे में कह रहे हैं वो सुर्खी को जब वाटर से ऐड कर दिया जाए तो वो भी एक मोर्टार के फॉर्म में तैयार होता है, उसको भी एक मोर्टार कहते हैं। लेकिन द मोर्टार कैन बी रिच मोर्टार इफ इट इज इन द रेशियो 1:1:1:2 यानी सिंपल से कहने का मतलब है तो मोर्टार उस वक्त तक मोर्टार नहीं कहलाएगा जब तक उसका रेशियो 1:1 और 1:2 नहीं होगा। मोर्टार अगर 1:1 और 1:2 के इसमें रेशियो में नहीं रहा, इससे ज्यादा रेशियो रहा यानी सीमेंट 1 हो और सैंड का क्वांटिटी 4 हो, सीमेंट 1 हो सैंड का क्वांटिटी 5 हो 6 हो, इस तरह का अगर रेशियो हो तो वो मोर्टार कहलाएगा, बट वो प्योर मोर्टार नहीं, वो लीन मोर्टार कहलाएगा। प्योर मोर्टार तभी कहलाएगा जब 1 सीमेंट हो और 2 मेरा सैंड हो, 1 सीमेंट हो और 1 सैंड हो तो वो प्योर मोर्टार कहलाएगा। अब आते हैं कि मोर्टार जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो सिंपल है कि मोर्टार जो है डिपेंड करता है सैंड पे, इट इज डिपेंडेंट ऑन सैंड प्रॉपर्टी। अब सैंड की प्रॉपर्टी जैसी होगी वैसे ही मेरी मोर्टार की प्रॉपर्टी होगी। द मोर्टार प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन फाइनेस्ट मोर प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट एंड सैंड, मींस मोर इज द फाइनेस्ट ऑफ द मटेरियल मोर इज द स्ट्रेंथ। यानी कहने का मतलब कि सैंड की प्रॉपर्टी जितनी फाइन होगी, सीमेंट की प्रॉपर्टी जितनी फाइन होगी उतने ही उसमें हाइयर स्ट्रेंथ होगी। अगर सैंड और सीमेंट की ये प्रॉपर्टी मेरी ढीली होगी, ये बेकार होगी, तो मेरी स्ट्रेंथ भी बेकार होगी। यानी सिंपल से कहना है कि वो डिपेंड करता है मेरा सैंड और सीमेंट पे, यानी इसके सैंड सीमेंट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। अगर जितना वो फाइन होगा उतना मेरा स्ट्रेंथ अच्छा होगा। अब आते हैं बात, it is always advisable to have a fine sand of 3 categories during mixing. अब आता है कि ये हमेशा जो है fine sand जो है वो 3 categories में बनाया गया है मोटा है, वो grading पे बनाया गया है। वो क्या है, पहला grade है size पे, यानी grade 1 कहता है 2 mm to 1 mm, grade 2 1 mm to 500 μm and grade 3 500 μm to 19. ये तीनों के ग्रेड पे ही मेरा मिक्सिंग होता और मेरा प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। By doing this, one can have minimum voids in a mix. ये करने के बाद जो मिनिमम वॉइड इसमें होगा वो मेरा प्योर प्रॉपर्टी होगी, प्योर अच्छी प्रॉपर्टी होगी और अच्छा स्ट्रेंथ देगा जिसमें कम वॉइड्स होगा। तो ये मोर्टार का ये मैंने थोड़ा सा टॉपिक आज डिस्कस किया, अगले क्लास में मोर्टार के बारे में बताएंगे और मोर्टार का टाइप बताएंगे, मोर्टार का यूज क्या है। मोर्टार में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल्किंग ऑफ सैंड, उसके बारे में अगले टॉपिक में बताएंगे आपको। तब तक के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं अगर कुछ क्लियर नहीं हो। थैंक यू।